हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन में डबल व्हाट्सअप चला सकते हैं। जैसे कि आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा दो व्हाट्सअप है। यहाँ पे एक मेरा ओरिजिनल है और एक दूसरा नंबर से, जैसे मैं चलाता हूँ सेकेंड नंबर से। तो फ्रेंड, कैसे आप व्हाट्सअप को चला सकते हैं, उस फोन उसको मैं आपकी सेटिंग। पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। में जाने के बाद आपको सर्च डबल स्पेस, फ्रेंड डबल स्पेस आपको सर्च करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। सर्च करने के बाद में आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का, डाउनलोड करने के बाद मैं आपको उसे ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरह का इंटरफेस आपको इस तरीके से मिलेगा। तो मैं इसे ओपन, सिंपली इसे ओपन कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने ये ओपन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सअप का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले इसमें व्हाट्सअप दिया गया है और इस प्लस के आइकन में कोई भी एप्लीकेशन का हम क्लोन कर सकते हैं। यानी कि क्लोन एप्लीकेशन का मतलब होता है इसका दूसरा एप्लीकेशन। जैसे कि आप हॉटस्टार है, कोई भी अदरवाइज कोई भी एप्लीकेशन जो कि इसमें सपोर्टेड है, वो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हो। तो फिलहाल से मैं अभी केवल आपको व्हाट्सअप के बारे में बताऊँ तो मैंने इसमें व्हाट्सअप पर ओके कर दिया है। और व्हाट्सअप को जैसे भी ओके ओके करता हूँ तो मेरा व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद में यहाँ पे लिखता है एग्री एंड कंटिन्यू। और इस तरीके से जैसे आप मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हो, ठीक उसी प्रकार से मैं इसमें मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने मोबाइल नंबर डाल चुका है और ओटीपी का इंतज़ार यहाँ पे हो रहा है। तो थोड़ी ही देर में ओटीपी यहाँ पर आ जाएगा और मैं ओटीपी यहाँ पर डाल दूंगा। तो फ्रेंड, मैंने ओटीपी डाल दिया है और यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। तो मैं कोई भी यहाँ पे एक फ़ोटो डाल देता हूँ और कोई भी यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ टेक हिंदी, जो कि आने वाले समय में मेरा यही व्हाट्सएप नंबर होने वाला है, जो कि मैं केवल यूट्यूबर्स के लिए ही रखूँगा इसके। ये देखिए, मैंने यहाँ पे टेक हिंदी अपना नाम डाल दिया है और मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल का लोगो मैंने यहाँ पे ले लिया और सिंपली मैं इसे टर्न कर देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग इस तरीके से व्हाट्सएप का डीपी लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लगाया और सिंपली मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। और ये सिंपली हमारा दूसरा व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन हो गया है। मैं आपको दूसरा व्हाट्सएप भी दिखाऊंगा जो कि मेरे फ़ोन में पहले से ही है, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसका भी मैं आपको खोल करके दिखाऊंगा, जो कि अभी ये नया ओपन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी यहाँ पे व्हाट्सएप में मैंने ओपन हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी कोई किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे चैट नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल न्यू है। यहाँ पे देख सकते हैं और देखिए कॉल्स, यहाँ पे कोई भी चैट्स कॉल वगैरह नहीं है। तो अगर हम करना चाहें तो सिंपली चैट पर ओके क्लिक करते हैं और ये कॉन्टेक्ट में हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने उसी नंबर पर यहाँ पर डालता हूँ। जैसे ये देखिए, ये मेरा वो नंबर है जो मेरे मोबाइल में पहले से ही व्हाट्सएप पे। तो मैं सिंपली इस पे एक SMS भेजता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं इसको अपने रियल व्हाट्सएप में दिखाता हूँ। ठीक है, यानी कि फर्स्ट व्हाट्सएप में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला आप देख सकते हैं, ये वाला मेरा सेकंड व्हाट्सएप है जो कि मैंने क्रिएट शॉर्टकट कर दिया। तो आप भी इसे शॉर्टकट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है ये मेरा फर्स्ट व्हाट्सएप। तो मैं इसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे SMS आने वाला है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मेरा नंबर कॉन्टेक्ट में सेव है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक इंडी की तरफ से एक SMS आ गया, जो कि अभी, और मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कब ये हमने जारी किया है। तो 3 मिनट्स एगो यहाँ मैंने व्हाट्सएप अकाउंट बनाया यहाँ पे, और यहाँ नंबर देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दबाए बेल आइकन को। और तो फ्रेंड, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही दबाएं बेल आइकन को।